हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो जो चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ हर बार, इस बार सबसे पहले बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि हमने 7000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी क्रॉस कर दिए, बहुत जल्दी 8000 करेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ हेल्प करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस कि जो मैंने यूट्यूब पर पोस्ट डाली थी एंड्रॉइड 12 का एक स्क्रीनशॉट या फिर फोटो जो भी मैंने डाला था, तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि कोई एंड्रॉइड 12 बेस्ड कस्टम रोम आ रही है रियलमी 3 प्रो के लिए। तो नहीं गाइस, अभी एंड्रॉइड 11 के फेस भी हम क्लियर नहीं करें सही से, अब एंड्रॉइड 12 इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। तो अभी तो बीटा टेस्टिंग चल रही है, बीटा डेवलपर प्रीव्यू वगैरह आ रहे हैं अभी एंड्रॉइड 12 के। तो ये एक GSI है बेसिकली। तो GSI गाइस हमने पहले भी काफ़ी सारी यूज़ की हुई है, जैसे कि हमने ColorOS 7 की जब आई थी सबसे पहले तभी वीडियो बना दी थी, और वो वीडियो अब तक की सबसे ज़्यादा वॉच की गई वीडियो है मेरे चैनल पर। और बाकी फिर हमने MIUI का बनाया था, JoyUI का बनाया था, काफ़ी सारी GSI पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। पर गाइस अब एंड्रॉइड 12 यहाँ पर आ गया है, और मुझे मालूम है कि ये वीडियो अपलोड करने में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ये वीडियो बना ली थी और अब अपलोड बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। कहीं से अगर इंस्टॉलेशन की बात करूँ कि रियलमी 3 प्रो पर आप कैसे एंड्रॉइड 12 GSI को फ्लैश कर सकते हो, तो वो ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। पर उसके बाद भी एक दिक्कत है कि अगर आप इस GSI को सिस्टम पर फ्लैश करते हो तो आपकी रिकवरी काम करना बंद कर जाती है, आपकी रिकवरी लोगों पर ही स्टक हो जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ेगी बहुत देर वेट करने के बाद भी, और वो लूप होती रहेगी वहीं के वहीं। तो अगर आप दूसरी रिकवरी भी फ्लैश कर लेते हो तो भी वो काम नहीं करने वाली है, सेम लोगों पर वो अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और जब ऐसा होगा तब आप पैनिक होना शुरू हो जाओगे। तब भी गाइस कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इस इशू को भी सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक फास्ट बूट नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस हमें क्या करना होगा कि हमें यूज़र डेटा को फॉर्मेट करना होगा। अब आप सोच रहे होगे कि जब रिकवरी ही ओपन नहीं हो रही तो डेटा कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो गाइस फास्ट बूट के थ्रू भी डेटा को फॉर्मेट किया जा सकता है। तो गाइस आपको सिंपली फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर लेना है आपकी PC से या फिर बग जिगर एप्लीकेशन से, उसके बाद आपको एक सिंपली कमांड यहाँ पर ऐड करनी होगी गाइस, जो कि है फास्ट बूट स्पेस इरेज स्पेस यूज़र डेटा, और गाइस दूसरी कमांड है गाइस फास्ट बूट स्पेस इरेज स्पेस कैश। तो ये दोनों आपको जो है एंटर कर देना है, आपका यूज़र डेटा और कैश फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली रिकवरी में बूट कर पाओगे, और ध्यान रखना कि आपकी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगी। तो गाइस चलो अब हम बात करें दोबारा से वापस हमारी कस्टम नहीं सॉरी GSI के ऊपर, हम वापस आ जाते हैं एंड्रॉइड 12 जैसे ही। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंड्रॉइड 11 जैसी है सेम टू सेम, 12 वाला तो कुछ लुक ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर गाइस एक टॉगल दे रखा है जिस पर क्लिक करते ही आपका पूरा UI रिस्टार्ट होगा और एंड्रॉइड 12 में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ रेफरेंस भी देने वाला हूँ एंड्रॉइड 11 का इस GSI के अंदर, तो चलो देखते हैं। तो अभी यहाँ पर सब कुछ राउंड हो जाएगा, आपका जो पैटर्न ट्रेल है गाइस कितना बोल्ड यहाँ पर है, कलरफुल आप देख पा रहे हो, काफ़ी सही लग रहा है मुझे, पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और अब आप देखोगे गाइस नोटिफिकेशन पैनल या फिर कंट्रोल सेंटर जो भी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है गाइस। इस UI को बोलते हैं मटेरियल UUI। तो मटेरियल UI को सबसे पहले लॉलीपॉप में हमने देखा था, उसके बाद से गाइस अपग्रेड होता हुआ अब 12 तक हम आ गए हैं, 6 से लेके 12, तो यहाँ पर गाइस डबल हो गया है। और मटेरियल यू काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में, ब्राइटनेस स्लाइडर काफ़ी मोटा सा है, नोटिफिकेशंस और मतलब जितने भी पैनल्स है काफ़ी राउंड राउंड है, बहुत ही सही लग रहा है। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने लेनेजोएस 18.1 का वेंडर यूज़ किया हुआ है, तो थैंक्स टू कार्थिक। एंड गाइस अब यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वगैरह आप देख पा रहे हो, शेड्स वगैरह पीछे से ट्रांसलूसेंट वाइट आपको देखने के लिए मिल रहा है, वॉलपेपर वगैरह मैंने वाइट लगा रखा है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी सा लग रहा है भाई। तो गाइस क्योंकि ये एक GSI है, इसमें बग ज़रूर आपको मिलने वाले हैं, पहली बात कि ये GSI है उसके बग्स अलग होंगे, और दूसरी बात कि ये बीटा फेज है तो उसके बग्स अलग होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस इसमें आपको नेटवर्क में तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ वोल्टी काम नहीं कर रहा है। अगर आप जियो वगैरह यूज़ करते हो तो वोल्टी का यूज़ आप नहीं कर पाओगे, वीडियो कॉलिंग का यूज़ आप नहीं कर पाओगे, वाईफाई कॉलिंग टेस्ट नहीं की गई है। और हाँ, ब्लूटूथ की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्किंग है, आप अगर कॉल वगैरह करते हो तो ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, पर मीडिया प्लेबैक आपको ब्लूटूथ पर नहीं मिलता है, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा सॉरी। और हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हॉटस्पॉट की, तो हॉटस्पॉट भी इस पर वर्किंग मिल जाता है गाइस। आप यहाँ पर देख रहे हो ब्राइटनेस स्लाइडर का यहाँ पर बहुत बड़ा UI चेंज किया गया है, ब्राइटनेस स्लाइडर बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, MIUI जैसा दिख रहा है या फिर थोड़ा सा अलग। पावर मेन्यू तो एंड्रॉइड 11 में पहले ही अपग्रेड कर दिया गया था, अब गाइस यहाँ पर मतलब सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है पावर मेन्यू के अंदर, डिवाइस कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ कौन सी एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है, तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रही है, एक्सेप्ट प्लस मैसेंजर VLC और GCam। तो गाइस GCam मैंने ट्राई किया हुआ है, 2-3 GCam ट्राई किए जिसमें से 2 काम नहीं किए, और ये कुछ फ्यूज GCam 2.0 है गाइस, इसके अंदर कैमरा सही काम कर रहा है पर जब क्लिक करते हैं तो जो फोटो है वो डिस्टॉर्टेड आती है, ग्रे स्केल में आती है। तो अभी मुझे कोई कंपैटिबल GCam देखने के लिए नहीं मिला।
चलते हैं गाइस अभी हम सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आप देख रहे हो सेटिंग का आइकन भी यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। सेटिंग यार सबसे बड़ा अब तक का यूआई डिज़ाइन चेंज है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं यूज़र का, सेटिंग्स, टेक्स्ट, और ये जो ग्रीन कलर का आपको सजेशन दिख रहा है, काफ़ी ही रंगीले मिजाज के यहाँ पर आइकन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और गाइस सबसे सही चीज़ जो मुझे लगी है वो इसका फॉन्ट। यहाँ पर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट का फॉन्ट जो देख रहे हो, मुझे सबसे ज़्यादा सही इसका फॉन्ट लग रहा है। इसका मतलब एक प्रीमियम सा लुक आ रहा है, बहुत ही अलग सा। और ये जो वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है पूरे यूआई के अंदर, वो अब तक का सबसे ज़्यादा सेक्सी यूआई कॉम्बिनेशन है इन एंड्रॉइड 12। बाकी गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या क्या काम करता है नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर। और अगर हम नोटिफिकेशंस की बात करें तो गाइस बबल्स इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और मैंने टेस्ट किया हुआ गाइस मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर, बबल काफ़ी सही काम करता था, क्रैश भी नहीं हो रहा था। बाकी यहाँ पर गाइस डिजिटल वेलबींग आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया नहीं हो कि आपको गूगल ऐप्स प्री इंस्टॉल मिल जाती है इस वाले के अंदर, तो एंड्रॉइड 12 पर भी गूगल ऐप्स है, क्योंकि इसको पिक्सल 5 से एक्सट्रैक्ट किया गया इस GSI को। यहाँ पर आप बैटरी मैनेजर का डिज़ाइन देखोगे, इसकी एक सिंपल सी लाइन दे रखी है जो कि काफ़ी सही लग रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतनी सही लग सकती है। बैटरी यूज का भी यहाँ पर UI थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंट एप्लीकेशन पैनल की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन लगता है गाइस, क्योंकि राउंडेड कॉर्नर से और पीछे से ट्रांसलूसेंट वाइट आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको टोटल सही डिज़ाइन दिया गया गाइस, काफ़ी सही है। यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स आपको हर पैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं, विजेट वगैरह का आप देख लो। और मतलब ये बैटरी वाले जो लेआउट है ये भी सही लग रहा है इस बार मेरे को। बैटरी परसेंट मैंने इनेबल कर दिया, वो भी हो जाती है यहाँ पर सेटिंग के अंदर। एक और इश्यू जो मुझे इस वाली GSI के अंदर देखने के लिए मिला कि अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सिस्टम एप्लीकेशन भी खोल लेते हो तो उसके अंदर आपको SD कार्ड का एक्सेस नहीं मिलने वाला है, जबकि आपका SD कार्ड आपके फ़ोन में इंसर्टेड है और माउंटेड भी है। अगर आप स्टेटस बार के थ्रू देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल शो कर रहा है जबकि SD कार्ड इंसर्टेड है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सैंडिस्क SD कार्ड यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, पर वो कोई भी थर्ड पार्टी या स्टॉक एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा। अगर आपको SD कार्ड एक्सेस करना है तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स UI है वहीं से SD कार्ड को एक्सेस करना पड़ेगा स्टेटस बार या फिर नोटिफिकेशन पैनल के थ्रू, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ से आप ड्रॉप करो, SD कार्ड पर क्लिक करो और यहाँ पर SD कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सारा कंटेंट भी आप देख पाओगे। पर गाइस एक और दिक्कत है कि इसका कंटेंट आप रीड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो प्ले नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ कि आप SD कार्ड का कंटेंट इंटरनल स्टोरेज में कॉपी नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरनल स्टोरेज से SD कार्ड में कॉपी कर पाओगे, तो ये इश्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है SD कार्ड के साथ। बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी एक छोटा सा इशू है गाइस, छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा इशू है कि अगर आप यहाँ साउंड सेट करने की कोशिश करते हो तो आपका पूरा UI हैंग हो जाएगा, काम नहीं करेगा, टच वगैरह काम नहीं करेगा। थोड़ी देर में फोर्स क्लोज की नोटिफिकेशन आएगी, फिर आपको फोर्स क्लोज पर क्लिक करके UI को रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा, तो यहाँ से आप साउंड को सेट नहीं कर पाओगे। और रिंगटोन वगैरह अगर आपको सेट करनी है तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेना प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। एक और इशू आपको कहीं देखने के लिए मिलने वाला है, मेरे ख्याल से इस पर कोई भी मीडिया काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप YouTube पर भी जाते हो और कोई वीडियो सर्च करते हो, प्ले करने की कोशिश करते हो, तो वो वीडियो कभी प्ले नहीं होगी। तो ये इशू मुझे देखने के लिए मिला। मैंने काफ़ी बार YouTube को रिस्टार्ट वगैरह करने की कोशिश की, पर उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर वीडियो प्ले हो ही नहीं रही थी कोई सी भी। तो मीडिया प्लेबैक, वीडियो प्लेबैक में आपको इशू आने वाला है। कॉल्स की अगर हम बात करें तो गाइस कॉल्स इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है और ब्लूटूथ में ऑडियो आ रही है कॉल की, पर मीडिया की ऑडियो नहीं आती है ब्लूटूथ में। स्पीकर की अगर हम बात करें तो ये देखो, अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको ऑटो ब्राइटनेस या फिर एडाप्टिव ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है, और जो कि अच्छे से वर्किंग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एडाप्टिव ब्राइटनेस आपको वर्किंग मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं अगर लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन UI में भी काफ़ी बड़ा चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लॉक स्क्रीन पर जो क्लॉक है वो काफ़ी सही लग रही है इस बार, मिनिमल सी क्लॉक है, सही है। और यहाँ पर आप इसको सेंटर वगैरह में भी कर पाओगे फ्यूचर में, पर अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो ये भी आपको वर्किंग मिल जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि इस पर AOD आपको वर्किंग मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले उस पर वर्किंग है, काफ़ी सही बात है। बात करते हैं गाइस डार्क थीम की, तो इसमें आपको डार्क थीम भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि गाइस थोड़ा सा ग्रेइश डार्क है, जो गूगल का स्टॉक डार्क होता है वैसा है, AMOLED डार्क नहीं है। इसके साथ आपका एक्सेंट कलर भी काफ़ी सही लगता है। अभी हम एक्सेंट कलर भी चेंज करके देखेंगे कि कैसा दिखने वाला है। उससे पहले गाइस यहाँ पर आप देख लो कि डार्क थीम के अंदर कोई कलर बकेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर इसको आप शेड्यूल जरूर कर सकते हो। अगर हम बात करें फॉन्ट साइज की, तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको सेट मिलने वाला है वो काफ़ी सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा डिस्प्ले के हिसाब से। पर जो डिस्प्ले साइज आपको डिफॉल्ट सेट मिलेगा गाइस वो काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल सेट कर लिया है। तो इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हैं आइकन्स वगैरह पूरा डिस्प्ले बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसलिए मैंने स्मॉल इसे कर दिया था। नाइट लाइट की बात की जाए तो गाइस ये भी
भी वर्किंग है, पर इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रेड। आप इसको कलर्स के अंदर जाके सेट कर पाओगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गाइस आपको देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन सेवर, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी यूज़ नहीं करता है। और बॉटम पर आपको देखने के लिए मिलता है गाइस डबल टैप 2x, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि डबल टैप 2x भी वर्किंग होगा, पर ये भी वर्किंग है। तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैंने सोचा था नहीं था कि काम करेगा, पर काम कर रहा है। और काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा। गाइस बात करते हैं एक्सेसिबिलिटीज़ की, तो ये फीचर ऐसा है जो मैं हर रोम में स्किप कर देता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे खास इसमें लगता नहीं है। पर एंड्रॉइड 12 में मैंने सोचा कुछ नया हो, तो यहाँ पर गाइस आपको एक तो फोर्स डार्क मोड देखने के लिए मिल जाता है, दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा डिम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे आपका जो डिस्प्ले डिम हो जाता है। अब मुझे पता नहीं कि नॉर्मली रूम्स में अवेलेबल रहता है या नहीं, क्योंकि मैंने स्किप करा हुआ है हर वीडियो में, तो मतलब अब मुझे भी इतना ध्यान नहीं है। पर इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डिम देखने के लिए मिलता है, अगर अवेलेबल हो पहले भी एंड्रॉइड 11 रूम्स में, तो आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर। एक और चीज़ जो मुझे एक्सेसिबिलिटीज के अंदर देखने के लिए मिली गई, वो है साउंड एम्पलीफायर, जो कि आपके आसपास की सराउंडिंग का जो साउंड है उसको बूस्ट करके आपके एयरफोन्स के अंदर सुनाएगा। तो ये कुछ उस मशीन की तरह काम करेगा गाइस, जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो लोग मशीन पहनते हैं अपने कानों के अंदर, उसी तरीके से कुछ आपका फोन काम करेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पहले अवेलेबल था एंड्रॉइड 11 में या फिर नहीं था, पर अगर अवेलेबल था तो बताओ कमेंट के अंदर, मैंने सिर्फ अभी देखा एंड्रॉइड 12 के अंदर। सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी के अंदर आपको दो ही ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले, एक सिंपल जो स्क्रीन लॉक मेथड होता है आपका पिन पासवर्ड या फिर पैटर्न वगैरह, उसके अलावा आपको पिक्सल इम्प्रिंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यार पिक्सल इम्प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो वो काम नहीं करता है। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर क्या क्या लॉक स्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं पिक्सल इम्प्रिंट की। पिक्सल इम्प्रिंट एक्चुअली गाइस क्योंकि एक जैसाई है, तो इसलिए काम नहीं करने वाला है आपके फ़ोन पर। जैसे हम रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर में गाइस आपका यूआई ब्लैक हो जाता है, सिस्टम यूआई रिस्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से पिक्सल इम्प्रिंट आपका वर्किंग आपको नहीं मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर एक नया ऑप्शन दे रखा है एंड्रॉइड 12 का पासवर्ड एंड अकाउंट्स पर, उस पर क्लिक करते ही आपकी सेटिंग्स क्रैश हो जाती है, तो ये अभी आपको वर्किंग नहीं मिलने वाला है। अब चलते गाइस यहाँ से हम सिस्टम के अंदर, और फिर सिस्टम से हम जाएंगे जेस्चर्स के अंदर। तो जेस्चर्स के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बैक टैप का, जो कि पिक्सल का एक्सक्लूसिव फीचर है, और अगर आप उस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे तो ऑफ कोर्स आपका सिस्टम यूआई क्रैश हो जाएगा, सेटिंग्स क्रैश हो जाएगी। एक और नया फीचर जो मुझे देखने के लिए मिला गाइस वो है स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप बॉटम के एरिया पर स्वाइप डाउन करते हो तो आपकी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, पर गाइस ये जो है सिर्फ मेरे ख्याल से जेस्चर नेविगेशन पर काम करेगा, 3 बटन पर तो ये काम नहीं कर रहा है। पर दिक्कत यह है गाइस कि इस वाली जैसे पर आपको जेस्चर नेविगेशन भी वर्किंग नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप जाते हो सिस्टम नेविगेशन पर तो वो आपका कुछ इस तरीके से ये भी हैंग होकर फोर्स क्लोज हो जाता है, तो जेस्चर नेविगेशन भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है फिलहाल। पावर मेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता है होल्ड फॉर असिस्टेंट, जिसके थ्रू अगर आप पावर बटन होल्ड करोगे तो असिस्टेंट ओपन कर पाओगे। पर यहाँ पर गाइस मेरा असिस्टेंट काम ही नहीं कर रहा है, गूगल ऐप्स जबकि इंस्टॉल्ड है, मैंने असिस्टेंट को इनेबल करने की कोशिश की पर असिस्टेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक वेट सी चीज़ मुझे देखने के लिए मिली, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि एंड्रॉइड 12 अभी सिर्फ एक स्किन है एंड्रॉइड 11 के ऊपर। अगर आप अपडेट एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तो आपको एंड्रॉइड 11 वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। और ये कंफर्म करने के लिए हम अबाउट फोन सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर हम ईस्टर एग ओपन करने के लिए ट्राई करते हैं तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पर एंड्रॉइड 11 वाला ईस्टर एग ओपन होता है, ना कि कोई एंड्रॉइड 12 का ईस्टर एग, और यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ आता है, जिससे ये पता चलता है कि एंड्रॉइड 12 बीटा जो है वो एंड्रॉइड 11 के ऊपर एक स्किन है। तो गाइस फाइनली अब बात की जाए थोड़े से एंड्रॉइड 12 की डिजाइन की, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारे पैनल्स अब राउंडेड आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टाइल्स की अगर बात करते हैं तो फॉन्ट वगैरह आप चूज कर पाओगे, अपना नया स्टाइल क्रिएट कर पाओगे, आइकन्स वगैरह आप चूज कर सकते हो, 4-5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक्सटेंड कलर भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, कोई कलर पैलेट में ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, पर जो लिमिटेड कलर है उनके बीच आप सेलेक्ट कर पाओगे। फिर आप अपना आइकन शेप चूज करोगे, उसके बाद आपका थीम क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से लगेगा। तो गाइस अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि और क्या क्या अवेलेबल है। जो क्लॉक ऑप्शंस मैंने देख रखे थे गाइस काफी सारे स्क्रीनशॉट में एंड्रॉइड 12 के, वो मुझे इसमें देखने के लिए नहीं मिले। तो क्लॉक को सेंटर में करने का मुझे कोई ऑप्शन देखने के लिए फिलहाल नहीं मिला है। पर यहाँ पर जो वॉलपेपर एप्लीकेशन है वो अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ से आप वॉलपेपर्स वगैरह अप्लाई कर पाते हो। लाइव वॉलपेपर मुझे देखने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ लाइव वॉलपेपर्स, पर नॉर्मल वाले वॉलपेपर अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं गूगल वॉलपेपर एप्लीकेशन के थ्रू। बस यहाँ पर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में इतना ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब मुझे पता नहीं कि वो जो क्लॉक स्टाइल है वो कहाँ से चेंज होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। पर गाइस इतना एंड्रॉइड 12 को यूज़ करने के बाद एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एंड्रॉइड 12 इज़ द सेक्सीएस्ट यूआई एवर इन एंड्रॉइड फील्ड। जो स्टॉक एंड्रॉइड फील्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एंड्रॉइड 12 का जो डिज़ाइन है अब तक का सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है। फिर भी कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा और वो बोलेंगे कि भाई गे लग रहा है, बिल्कुल गे डिज़ाइन है, बिल्कुल कह रहे हैं कुछ लोग, मैंने देखा हुआ। मेरे ख्याल से अपनी अपनी चॉइस है, मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये जो यूआई है। गाइस एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी इस जीएसआई के अंदर वो है इसका स्पीकर आउटपुट क्वालिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो था। मैंने फुल वॉल्यूम कर रखी थी पर बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी, मैं अभी आपको सुना नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। सो गाइस दिस इज़ हाउ एंड्रॉइड 12 लुक्स लाइक ऑन रियलमी 3 प्रो। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में कि भाई बैटरी लाइफ तो बताई नहीं, गेमिंग तो बताई नहीं, तो भाई मत करो भाई, ये जीएसआई है,
है, इतने सारे बग्स है। एज अ डेली ड्राइवर तो मैं इसको यूज़ कर ही नहीं सकता था, मुझे काफ़ी सारे अलग अलग टेस्टिंग करनी रहती है, तो मैं टेस्ट नहीं कर पाता इतना ज़्यादा टाइम के लिए अंडर 12। एज एन एक्सपीरियंस मैंने ज़रूर फ्लैश कर रखा है, और आपको भी अगर फ्लैश करना है तो एज एन एक्सपीरियंस ही आप इसे फ्लैश कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे बग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, करो चैनल को सब्सक्राइब, जो कि मैंने शुरू में भी बोल दिया पर दोबारा से बोल रहा था कि आप दोबारा से कर लो। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।